हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्राइमरी कंसेप्ट के बारे में जिसका नाम है फेज शिफ्ट, जो नॉर्मली यूज होता है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में। तो जैसे हम जानते हैं यह सिंपल साइन कर्व ऑफ वेव। सो वेवलेंथ क्या बोलते हैं, दो क्रेस्ट के बीच में जो लेंथ है उसको बोलते हैं हम वेवलेंथ, और डेप्थ ऑफ अ सिंगल कर्व इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और माइक्रोस्कोपी में वेवलेंथ रिलेट करता है कलर के साथ। जैसे शॉर्टर वेवलेंथ होती है तो उसका कलर ब्लू होता है, और हायर वेवलेंथ होती है उसका कलर रेड होता है। एम्पलीट्यूड रिलेट करता है ब्राइटनेस के साथ, जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा उतना ब्राइटनेस डिफरेंस ज्यादा। सो अगर हम रिलेट करते हैं इसको फेज शिफ्ट के, तो अगर हम देखते हैं जो अगर कोई भी लाइट है वो पास हो रही है अपने नॉर्मल फेज में, और अगर बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता तो उसको क्या बोलेंगे हम, अनडेविएटेड। डेविएटेड मीन्स क्या होता है, उसके बीच में कुछ आ गया और उसका जो वेवलेंथ की स्पीड है वो स्लो हो गया या फास्ट हो गया और उसकी वेवलेंथ चेंज हो गई। अगर उसके बीच में कुछ आ ही नहीं, वो कॉन्स्टेंट स्पीड में ही जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अनडेविएटेड लाइट। अगर उसके बीच में कुछ आ गया तो शायद वो ऐसे भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं डेविएटेड लाइट। और इन दोनों के जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं रिजल्टेंट लाइट, रिजल्टेंट वेव। तो डेविएटेड एंड अनडेविएटेड को मिला के जो बनता है, जो हम देखते हैं उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेव। तो इन प्राइमरी कंसेप्ट को लेके हम एक बात करेंगे, ध्यान से देखना। तो मान लीजिए ये प्लेन, ये है अनडेविएटेड लाइट, और इसकी ही अगर हम डेविएटेड लाइट के बारे में बात करेंगे तो ये है डेविएटेड लाइट जिसकी वेवलेंथ में कुछ चेंज होगा, और इसका जो रिजल्टेंट वेव बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। सो ये है अनडेविएटेड लाइट, ये है डेविएटेड लाइट, और इसका जो रिजल्टेंट वेव बनेगा ये है रिजल्टेंट वेव। लेकिन अगर हम देखते तो ये तीनों के तीनों मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, एक साथ ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, लाइट इज नॉट इन फेज, बिकॉज ये एक फेज में नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए जो इसका डिफरेंस है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, और जो एम्पलीट्यूड है रिजल्ट वेव का वो थोड़ा हायर होगा नॉर्मल वेवलेंथ से। और अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की। सो सिंपल ऐसा ही, ये अनडेविएटेड लाइट, ये है डेविएटेड लाइट। तो इसका रिजल्टेंट वेव जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो इससे क्या मालूम पड़ता है, तीनों के तीनों वेव्स एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं, एक साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, लाइट इज इन फेज। सो इससे बहुत ही बड़ा डिफरेंस ब्राइटनेस के बीच में होगा ऑब्जेक्ट और अनडिविडेड लाइट के बीच में, क्योंकि आप देख सकते हैं जो ये है रिजल्टेंट वेव। सो जो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है ब्राइटनेस है वो बहुत ही ज्यादा है, डबल है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव विल बी द डबल देन द नॉर्मल लाइट। सो इसको बोलते हैं फेज शिफ्ट, कि हम अनडेविएटेड लाइट की स्पीड को लो करते हैं कहां तक, जब तक वो डेविएटेड लाइट के साथ में ट्रैवल नहीं करता। तो इससे क्या होगा, बड़ा सा ब्राइटनेस डिफरेंस जनरेट होगा, जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का ब्राइटनेस बहुत ही लो होगा देखने के लिए, तो हम ऐसे उसकी ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड के साथ। इसको बोलते हैं फेज शिफ्ट। ये कैसे हम कर सकते हैं, तो किसी भी लाइट के बीच में हम एक ऐसे प्लेट रख देते हैं जिसमें स्पेशल जगह पे होल्स होता है जहां से लाइट ट्रैवल करती है और जहां पे लाइट थोड़ा रुकती है। तो इससे हम ये अचीव कर सकते हैं जहां पे जो लाइट है वो इन फेज होती है। तो ये कंसेप्ट यूज आता है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में, जो ऑब्जेक्ट है उसकी ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए और डिफरेंस ऑब्जेक्ट और ब्राइटनेस के बीच में क्रिएट करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मुझसे कुछ सीखना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।
थैंक यू।